नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी। विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और साथ साथ सीयूटी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं अपने इन सेशंस में। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने 1.5 तक सारी चीज़ें देख ली थी और आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके एकेडमिक्स के लिए और साथ साथ आपके सीयूटी के लिए। देखिए, एकेडमिक के लिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज वहां आप देख लीजिए। और अगर आप वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द हो एंड फ्लो। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा या ब्लॉक करता जाऊंगा इसको, कि जहां जहां आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आज हमारा टाइटल है द हो एंड फ्लो। हो की अगर हम बात करें तो हो का मतलब होता है कुदाल। कुदाल जनरली एक ऐसी चीज होती है जो काफी डीप डिगिंग कर सकती है। ठीक है, पृथ्वी में काफी अंदर तक, जैसे आप ये समझ लीजिए कि कोई अगर पहाड़ी इलाका है तो उसमें बड़े बड़े पत्थर को हटाने के लिए इस तरह की नुकीली चीज की जरूरत पड़ती है। और फ्लो आप जानते हैं जो हल होता है। ठीक है, यहां पर हो और फ्लो की जो बात कही गई है ये मैं आपको बता दूं, ये इसलिए कही गई है क्योंकि यहाँ पर हो और फ्लो जो दो चीजें हैं ये दो अलग अलग ट्राइबल रेस से रिलेटेड है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में और आपको बताऊंगा ट्राइबल रेसेस से रिलेटेड। यहाँ पर हो जो दिया गया है ये सिंबल है पहाड़ियाज का, और यहाँ पर जो फ्लो दिया गया है दैट इज द सिंबल फॉर संथाल कम्युनिटी। संथाल कम्युनिटी, ये सारी कम्युनिटी आज भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, बिहार और जो है मध्य प्रदेश, इन सब अगर इलाकों में आप चले जाएं और खासकर ऐसे इलाके छत्तीसगढ़ वगैरह जहां पर जो थोड़े से ट्राइबल इलाके हैं उन सारे इलाकों में ये जो है क्या कहते हैं आपकी कम्युनिटीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं। तो देखिए, सीयूटी के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो कम्युनिटी है ये किस राज्य में है। ठीक है, कौन सा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी या कुछ जहां पर संथाल या पहाड़ियाज या गोंड हो गए ये सारे जो है कम्युनिटीज पाई जाती है। तो एक सेक्शन आता है आपका ट्राइब्स और प्लेसेस कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये भी आपके जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो आपके लिए सीयूटी के लिए क्लू रहा कि सीयूटी में इस तरह का पूछा जा सकता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जनरली इस टॉपिक में है क्या। ठीक है, इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया ट्राइबल रेस के से रिलेटेड है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ट्राइबल रेस का क्या काम है। देखिए, अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी वो हमने देखी थी बंगाल में। ठीक है, अब बंगाल से बाहर हटके यानी हम लोगों ने जो चीजें देखी वो प्लेन मैदानों की चीजें देखी, लेकिन अब हम देखते हैं कि जो हिली एरिया हुआ करते थे उनमें जनजीवन कैसा था और इन सारे राज्यों पर, इन सारे इलाकों पर ब्रिटिश राज की आंख किस तरह से लगी थी। देखिए, शॉर्ट में आपको बता दूं यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पहली बात तो यहाँ पर ब्लू कलर से जो आप इनबॉक्स देख रहे हैं बकनन के बारे में, इनको आप बकनन भी कह सकते हैं, बुजानन भी कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं, वॉट एवर यू प्रोनशिएट। ठीक है, मैं बकनन बोलता हूँ। तो बकनन के बारे में पूछा जाता है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। साथ साथ बकनन ने किस तरह से इन राजमहल पहाड़ियों को देखा, ये आपके 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हु वॉज बकनन एंड वॉट ही डिड, वॉट ही डिड। ठीक है, इससे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है बकनन के सर्वेस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो एक एक करके क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे और साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। यहाँ पर जो बात चल रही है राजमहल की पहाड़ियों के बारे में दोस्तों बात चल रही है। ठीक है, हम लोगों ने जो है 18th सेंचुरी तक की सारी चीजें कवर की है। अब यहाँ से जो आपके टॉपिक शुरू होते हैं वो 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी दोनों के जो है टॉपिक आपके शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही राजमहल की पहाड़ियों की, और ये जो राजमहल की पहाड़ियां थी ये राजमहल की जो हिल्स हुआ करती थी। ठीक है, ये हिल्स आप कह सकते हो कि आज भी एग्जिस्ट करती हैं, और कहाँ करती हैं ये आपके बिहार बिहार झारखंड में एग्जिस्ट, बिहार में एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं आपकी। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजमहल की पहाड़ियां कहाँ है, तो वो कहाँ है आपके बिहार में है। ठीक है, अब बिहार में ये जो पहाड़ियां है खासकर भागलपुर जो का जो इलाका है
उस इलाके के आसपास की जो पहाड़ियां हैं, जो हिली एरिया है, वो आपका राजमहल की हिल्स है। तो राजमहल की जो हिल्स हुआ करती थी, वहां पर ये जो बकनल साहब थे, इन्होंने अपना एक ऑफिशियल विजिट किया, ठीक है। और ऑफिशियल विजिट करने के बाद उन्होंने जो देखा उसको अपने सर्वे में लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से उन्होंने क्या क्या सारी चीजें देखी, और वहां पर इन राजमहल की पहाड़ियों में जो लोग रहा करते थे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि क्या इसमें है इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों फिर से मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि लेट 18th सेंचुरी की बात की जा रही है। रिवेन्यू रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि एक जाति हुआ करती थी जिनको पहाड़ियाज कहा जाता था, और ये पहाड़ियाज जाति कहाँ रहा करती थी? राजमहल हिल पे रहा करती थी। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि राजमहल के हिल्स में जो कम्युनिटी रहा करती थी वो कम्युनिटी कौन सी थी? तो दोस्तों कम्युनिटी पहाड़ियाज की कम्युनिटी थी। पहाड़ी इलाके में जो व्यक्ति रहा करते थे उनको पहाड़िया कहा जाता था, ठीक है। और इनका जो मेन पेशा हुआ करता था वो पूरा पेशा इनके फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट हुआ करता था। फॉरेस्ट में क्या पैदा हो रहा, आप जानते हैं कि फॉरेस्ट इज द वास्ट एरिया फॉर द बायोडाइवर्सिटी। हर तरह की बायोडाइवर्सिटी वहां पर दिखाई पड़ती है, हर तरह की इकोसिस्टम वहां पर दिखाई पड़ते हैं। तो फॉरेस्ट इकोलॉजिकली बहुत ही एडवांस होते हैं, और अगर वहां पर कोई व्यक्ति कोई जाती है तो उसका जीवन बड़े आराम से गुजर सकता है। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब का ये डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। और ये लोग फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहा करते थे, और साथ साथ जो कल्टीवेशन किया करते थे, यानी इनके खेती करने का जो ढंग था वो जूम कल्टीवेशन था, ठीक है। जूम कल्टीवेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि एक कोई जमीन है, इस जमीन को साफ किया गया, यहाँ पर खेती की गई, खेती करने के बाद फिर इस स्थान को छोड़ दिया गया, जिसको हम बोलते हैं परती जमीन, ठीक है। इसको छोड़ दिया गया, ठीक है, फैलो लैंड जिसको बोलते हैं, और छोड़ने के बाद दूसरे इलाके पर दूसरे आगे बढ़ गए, वहां पर फिर से एग्रीकल्चर के लिए जो है अपनी जमीन बनाई, और इस तरह से करके जब यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है और ये जमीन खाली है, तो खाली जमीन में फिर से क्या हो जाता था, इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती, ठीक है। तो इस शिफ्टिंग कल्टिवेशन या इसको जूम कल्टिवेशन बोलते हैं, दोनों तरह की कल्टिवेशन होती है। तो पहाड़िया लोग जो कल्टिवेशन किया करते थे दोस्तों वो जूम कल्टिवेशन किया करते, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर पूरी तरह से जो है क्या कहते हैं आप कह सकते हो कि डिपेंडेंट हुआ करते थे। आप यहाँ पर देखें, दे क्लियर पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट बाई कटिंग बुशेस एंड बर्निंग अंडर ग्रोथ ऑन दिस पैचेस एनरिच द पोटाश फ्रॉम द एश द पहाड़ियाज ग्रो अ वैरायटी ऑफ पल्सेस एंड मिलेट्स। ज्यादातर वो फसल कौन सी बोया करते थे? दाल बोया करते थे और मिलेट्स बोया करते थे। देखिए आपके सीयूटी के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बता दूं कि 2023 दिस इज द इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट, ठीक है। ये इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट डिक्लेयर किया गया है, और इसको डिक्लेयर कराने में भारत का इंडिया का सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है। यूएनओ ने इसको जो है डिक्लेयर कर दिया है कि 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स कहलाएगा, ठीक है। एससीओ की बैठक हुई थी, ये उज्बेकिस्तान में हुई थी, वहां पर प्रधानमंत्री ने इस चीज पर जो है क्या कहते हैं जोर डाला था कि जो है विश्व में जो भुखमरी की समस्या है, कहीं ना कहीं अगर मिलेट का जो हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं समस्या सॉल्व हो सकती है, इसलिए 2023 इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप देख लीजिएगा किसी न किसी इस साल के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो ये लोग क्या करते थे, परती जमीन को छोड़ देते थे, और उस पर जो है जब पत्तियां और ये सारी चीजें गिरती थी या उस जमीन को उन्होंने जला दिया तो उसकी राख से, ठीक है, वहां पर न्यूट्रिशन बढ़ता रहता था। दे स्क्रैच द ग्राउंड लाइटली विद होज, होज देखिए यहाँ पर आ गया, यानी होज इज द इंडिकेशन फॉर द पहाड़ियाज बिकॉज दे यूज द हो एज द इंस्ट्रूमेंट फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो कल्टिवेटेड द क्लियर लैंड फॉर अ फ्यू ईयर्स देन लेफ्ट इट फैलो सो दैट इट कुड रिकवर इट्स फर्टिलिटी, जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए मैं आपको सारी चीजें शॉर्ट में बताता चल रहा हूँ, और जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उनको मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा। तो उनके रहने का क्या तरीका थे, हिल्स में रहा करते थे। अब क्वेश्चन यही बनता बनता है कि क्या उनके जीवन चक्र किस तरह था, हिल्स में रहा करते थे, झूम कल्टीवेशन यानी शिफ्ट कल्टीवेशन किया करते थे, और शिफ्ट कल्टीवेशन करने के बाद एक जमीन को खाली छोड़ देते थे तो दूसरी जमीन पर एग्रीकल्चर किया करते थे, ठीक है। और इस तरह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर
उन्हीं पहाड़ों के बीच में माइग्रेट करते थे, और पूरी तरह से इनकी जो जिंदगी थी वो किस पर, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर जो है डिपेंडेंट हुआ करती थी। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये आपकी छोटा सा क्वेश्चन बन गया कि पहाड़िया जो जाति हुआ करती थी उनकी लाइफ किस तरह से थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें। तो आगे हम देखते हैं कि ये रहा कहाँ करते थे। देखिए, रहने की बात इसमें जो कही गई है, एक गांव में, जब अगर आपने गांव देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक महुआ होता है, इसमें व्हाइट कलर के फूल आते हैं। तो ये महुआ को, और जनरली जो है जो महुआ का यूज किया जाता है वो आप कह सकते हो कि देशी शराब बनाने में भी यूज किया जाता है। तो महुआ के फूलों को ये इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, इसके साथ रेशम का जो है कीड़े पाला करते थे, और जो शहद हो गया या गम हो गए, है ना, रेजिन्स आप जिनको कहते हैं, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, लकड़ियां हो गई, ठीक है, इन सारी चीजों का व्यापार किया करते थे और आराम से रहा करते थे। ठीक है, यहां पर हम ये देखते हैं कि इनके रहन सहन का जो जीवन शैली थी वो जीवन शैली आज के जिस तरह के ट्राइबल जातियां हैं लगभग उन्हीं तरह से। देखिए, इस फोटो में आप देख सकते हो कि इन्होंने जंगल के इलाकों को किस तरह से साफ किया, और साफ करने के बाद क्या होता है कि साफ करने के बाद ये छोटा सा अपना झोपड़ी उपड़ी बना के रहा करते थे, और यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये तो पिक्चर से रिलेटेड हो गया, ये जो पिक्चर जो है विलियम हॉज की बनाई गई है, 1782 की आप पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो जीवन यापन की ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। आगे में ये बताया बताई जाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ये जो पहाड़िया थे इनका जीवन यापन हुआ करते थे, ट्राइब्स पीपल हुआ करते थे, और इन पहाड़ियों की अलग अलग ट्राइब्स हुआ करती थी, और हर ट्राइब का क्या हुआ करता था, इनके जो है चीफ हुआ करते थे। ओके, चीफ का जो मेन काम था कि अपने जो इनकी ट्राइब है उसको एकत्रित रखना, एक मतलब एक तरह से यूनिटी उसमें रखना, हालांकि डिस्प्यूटेड हुआ करते थे। ठीक है, और ये जो डिस्प्यूटेड हुआ करते थे चीफ्स वर्सेस चीफ में भी हो सकते थे, और चूंकि जब हम हिल्स की बात करें तो नीचे प्लेन का एरिया आता है, प्लेन में जो लोग रहा करते, जो खेती वगैरह किया करते थे, उनके साथ भी इनके डिस्प्यूट्स वगैरह हुआ करते थे। तो डिस्प्यूट का जनरली नतीजा ये हुआ करता था कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं उन इन पहाड़ियों से बड़ा घबराया करते थे कि भाई कब ये जो है कि अगर इनके पास खाने की कमी हो गई तो ये नीचे उतर आएंगे, है ना। तो इस तरह से, अच्छा, वहां पर जो अंग्रेजी अधिकारी होते थे उनको भी दिक्कत थी। दिक्कत कैसे थी, यहाँ पर इस पैसेज में हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपका डिस्प्यूट का क्वेश्चन बनेगा कि भाई डिस्प्यूट किस तरह से हुआ करता था इनके बीच में। तो विद देयर बेस इन द हिल्स द पहाड़ियाज रेगुलरली रेडेड द प्लेन्स हु सेटल एग्रीकल्चरिस्ट लाइफ, यानी जो परमानेंट गांववासी थे उनमें उन पर ये अटैक कर दिया करते थे। दीज रेड्स वर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। व्हाई सर्वाइवल, ऐसे समय में मान लीजिए जब बारिश का सीजन है, खेती नहीं हो पा रही है, ठीक है, खाने के लिए ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो ऐसे समय में बरसात में क्या कर दिया इन्होंने, गांव वालों के पास जो अनाज वगैरह रखा हुआ है उस अनाज को लूट लिया और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस वजह से, अच्छा, एक तो जो है जो प्लेन वाले लोग थे, ऐसा तो नहीं था कि वो बहुत ज्यादा अमीर थे, उनके ऊपर टैक्स का बोझ लगा रहता था, तो बेचारे फसल किसी तरह से अपने खाने के लिए बचाते थे, और ये क्या है पहाड़ियाज उनको लूट लिया करते थे। तो बड़ी दिक्कत का सामना जो है ये जो प्लेन में रहने वाले लोग थे ये कर रहे थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दीज रीड्स वेर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल पर्टिकुलरली इन द ईयर्स ऑफ स्कार्सिटी, जो मैंने आपको बताया, या कोई भी मजबूरी इनके पास रहती थी तो ये रेड किया करते थे। दे वर अ वे ऑफ एक्सर्टिंग पावर ओवर सेटल्ड कम्युनिटी एंड दे वर मीन एंड नेगोशिएटिंग पॉलिटिकल रिलेशन विद द आउटसाइडर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इस पैसेज में पूरा लिखा गया है उस पैसेज का मैं आपको जस्ट बताता हूँ। जस्ट जनरली ये है कि पहाड़ियों का ये जो बार बार रेड करने का चक्कर था ना, ये क्यों हुआ करता था। ठीक है, अब ये जो रेड करने का चक्कर है, एक तो मैंने बताया कि इनके पास अगर खाने की कमी हो जाती तो रेड करते थे, दूसरा जमींदारों के ऊपर रेड करते थे काहे के लिए, पैसा वसूल करने के लिए। ठीक है, पैसा वसूल कर क्यों भाई, क्योंकि मान लीजिए ये पहाड़ी है, यहाँ से एक जमींदार को दूसरे गांव पे जाना है तो इस पहाड़ी के अंदर से जाएगा या अपने किसी आदमी को भेजेगा, तो ये लोग पहाड़ियाँ क्या किया करते थे, उस पर अटैक कर देते थे। तो ऐसे समय में सेटलमेंट हुआ करते थे। ठीक है, सेटलमेंट क्या थे, जमींदार ने कहा कि भाई हमारे आदमियों को सुरक्षित जाने दो, इसके बदले में हम तुम्हें क्या देंगे, एक मंथली तुम्हारे एक इनकम बांध देंगे कि भाई इतने रुपए ले लो, लेकिन हमारे लोगों को
आराम से जाने दो, ठीक है। इसी तरह से ट्रेडर्स हुआ करते थे, यानी ये जो रेड हुआ करते थे, एक तो मजबूरी में भी हुआ करते थे और दूसरा, ठीक है, पैसा कमाने के लिए भी हुआ करते थे, है ना। और जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स के साथ भी इन्होंने नेगोशिएट कर लिया, समझौते कर दिया, अच्छा भाई इतना पैसा दो तब तुम्हें हम पास करने देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि संथालों की जो प्रकृति थी, उस प्रकृति से साधारण आदमी परेशान था, और साथ साथ जो है क्या कहते हैं, ये जितने ट्रेडर्स और जमींदार हुआ करते थे ये परेशान है। अब अगर जमींदार परेशान है तो अपनी गुहार किसके पास ले जाएगा? तो अपनी गुहार ले जाएगा ब्रिटिश अधिकारी के पास, है ना। ब्रिटिश अधिकारियों को भी कभी कभी इनके जो है तीखे बातों का सामना करना पड़ता था, या आप कह सकते हो कि इनके जो है इस तरह के, अगर ब्रिटिश सरकार अटैक करती थी तो ये तो जंगलों में छुप जाते थे और छुपकर जो है अटैक किया करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, दिस नेगोशिएटेड पीस वॉज समटाइम फ्रजाइल, इट ब्रोक डाउन इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी व्हेन द फ्रंटियर्स ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर वर बीइंग एग्रेसिवली एक्सटेंडेड इन द ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी इंडिया, आप बिहार का क्षेत्र जान रहे हो, ये सब ईस्टर्न इंडिया में आते हैं। और जब एक्सटेंसिवली जो है खेती होने लगी तो धीरे धीरे पहाड़ों वगैरह का साफ किया जाने लगा, जंगलों को साफ किया जाने लगा, तो इनके लिए थोड़ी सी समस्या बन गई, है ना। द ब्रिटिश एनकरेज फॉरेस्ट क्लियरेंस, द जमींदार एंड जोतेदार स्टंट द अनकल्टिवेटेड लैंड लैंड इन टू द राइस फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गया है, अंग्रेजों के पास जो उनके टैक्स का सबसे बड़ा स्रोत था वो थी एग्रीकल्चर, नए नए एग्रीकल्चर लैंड को स्टेब्लिश करना ये ब्रिटिशर्स की मंशा हुआ करती थी। और जमींदार और जोतेदार, चूंकि ये दोनों जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों से जुड़े हुए थे, तो इन लोगों को निर्देश दिए गए थे कि आप जो है जंगलों को सफाया करिए और वहां पर धान की खेती करिए, राइस की खेती करिए। तो भाई जब खाली जमीन पड़ी हुई है या थोड़ा बहुत फॉरेस्ट का एरिया है, तो फॉरेस्ट का एरिया क्या किया गया, साफ किया गया, प्लेन बनाया गया। अब फॉरेस्ट के पास ही ये सारे लोग रह रहे हैं तो जाहिर सी बात इनको दिक्कत हो जाती थी, है ना। तो यहां पर यही बताने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आगे यहां पर आप देख सकते हैं वही ब्रिटिश की पॉलिसी कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड को जो है एक्सटेंड करो, ठीक है। और एक्सटेंड करने के बाद क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगा, है ना। तो इस तरह से पहाड़ियों के ऊपर धीरे धीरे दिक्कत आ रही थी, लेकिन वही चीज कि पहाड़ियों को भी पता था कि हमें क्या करना है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम थी, अब हमारी भारतीय सेना इन जंगलों में जाती थी तो कहीं माइंस बिछा दिए गए कुछ, क्योंकि जंगलों का रास्ता इन सारे नक्सलाइट्स या ट्राइब एरिया को, ट्राइबल पीपल को पता था, हमारे यहाँ तो जो है सेना को उतना पता है नहीं, तो उसका यह फायदा उठाते। तो इसी तरह से फायदा उठाया गया। अब यहां पर क्या होता था, यहां से हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वाले पैसेज से कि इन द 1770s द ब्रिटिश एम्बार्क्ड ऑन अ ब्रूटल पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन, हंटिंग द पहाड़ियाज डाउन एंड किलिंग देम। पहाड़ियों की फितरत से ये जो अंग्रेज थे या जमींदार थे, ये इतने परेशान हो गए कि इनको फाइनली क्या करना पड़ा, इनको जो है पहाड़ियों के प्रति एक बहुत ही ऑप्रेसिव नीति को अपनाना पड़ा और धीरे धीरे पहाड़ियों को मारा जाना शुरू कर दिया गया। यहां पर हम देखते हैं, देन बाय द कलेक्टर ऑफ अगस्टा क्लीवलैंड, द कलेक्टर ऑफ भागलपुर प्रपोज्ड पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। भाई अगर आप किसी के साथ लड़ाई करेंगे, आप उसको मारेंगे तो वो भी तो आपको मार सकता है। यही हुआ, ब्रिटिश अधिकारियों ने दमन की नीति अपनाई, सप्रेशन की नीति अपनाई, लेकिन उसमें बहुत सारे ब्रिटिश राज के अधिकारी भी मारे गए। लिहाजा इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाएगा आपसे, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका कि पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन ये किसने शुरू की। तो दोस्तों ये शुरू की जो है कहते हैं भागलपुर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, इनका नाम था अगस्टस क्लीवलैंड, उन्होंने शुरू की। इसमें क्या हुआ करता था, पहाड़िया चीफ्स वर गिवन एन एनुअल अलाउंसेस एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर कंडक्ट, ठीक है। इनको कहा गया कि आप उसी तरह से जैसे पहले जमींदार पैसा दिया करते थे, ब्रिटिश अधिकारी भी पैसा देने लगे। उन्होंने कहा भाई ये हर साल का पैसा लो और हमारे जितने भी लोग हैं उनको, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, अगर वो जा रहे हैं तो उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम उसके बदले में आपको क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। दे वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑर्डर इन द लोकेलिटीज एंड डिसिप्लिन देयर ओन पीपल, यानी अपने पीपल को तुम लोग समझाओ
कि चाहे जो प्लेन में रह रहे हैं, ना ही उनको डिस्टर्ब किया जाए, ना ही जमींदारों को डिस्टर्ब किया जाए, और ना ही जोतेदारों को डिस्टर्ब किया जाए। और अगर ये डिस्टर्ब नहीं होंगे तो ब्रिटिशर्स को पता है कि रेवेन्यू कलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, मेनी पहाड़िया चीफ रिफ्यूज। आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहाड़ियों के जो चीफ हुआ करते थे उन्होंने इस चीज को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी जो खुद की ट्राइब है ना, वो ये सोचेगी कि यार हमारा चीफ किस किस तरह से है, जरा से पैसों के लिए जो है ब्रिटिश अधिकारियों के सामने बिक गया। और लोग इस चीज से वाकिफ थे कि जो ब्रिटिश अधिकारी हैं या ब्रिटिश जो राज है, वो पहले तो आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, लेकिन उसके बाद पलटवार भी करेगा। ठीक है, तो यहां पर पहाड़ियों के जो चीफ थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। और जिन चीफ्स ने, ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट किया प्रपोजल को कि नहीं ठीक है ओके हम पैसा लेकर तुम्हारे आदमी को जाने देंगे, उनको बाद में मुंह की खानी पड़ी, यानी उनको चीट करके उनके सत्ता को खत्म कर दिया गया। जैसे उन्होंने प्रपोजल माना, वहां के जो इनके अपने लोग थे उन्होंने बाइकॉट करना शुरू कर दिया। अब बाइकॉटेड जो पर्सन है वो जाए कहाँ? ब्रिटिश अधिकारी के पास जाएगा, और ब्रिटिश ने कहा कि भाई ठीक है तुम हमारे यहाँ काम करो, ऐसा करो वैसा करो, और फाइनली उसकी चीफटेंस खत्म। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि क्या हुआ कि पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन के द्वारा पहले तो मित्रता बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन पहाड़ियों के कुछ समझदार चीफ्स ने उसको मना कर दिया, लेकिन जिन जो मना नहीं कर पाए उनकी जिंदगी खत्म। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एज द पैसिफिकेशन कैंपेन्स कंटिन्यूड, द पहाड़ियाज विदड्रू डीप इन टू द माउंटेन, इंसुलेटिंग देमसेल्फ फ्रॉम हॉस्टाइल फोर्सेस एंड कैरिंग ऑन अ वॉर विद आउटसाइड। ठीक है, यहां पर यह बताया गया है कि ये सारी चीजें, जब पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन को नहीं माना गया तो ब्रिटिश राज की दमनकारी नीति और चलने लगी, और इन पहाड़ियों को डीप फॉरेस्ट में जाने जाना पड़ गया। क्योंकि भाई क्या होता होता था, ये होता ये था कि अगर आप नहीं मान रहे हैं तो जो ब्रिटिश हुकूमत है वो क्या करेगी, आपकी ब्रूटल रिप्रेशन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो वही हुआ इन लोगों के साथ, इनके साथ ज्यादती होने लगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें इसमें आप देख सकते हैं कि होता क्या था, ब्रिटिश अधिकारी आए, फौज लेकर आए, गोलियां चलानी शुरू कर दी, बेचारे भागते थे, कहीं अंदर छुप रहे हैं कहीं कुछ। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे उनकी जो लाइफ थी वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो गई, है ना। अब जितने भी पहाड़ियाज बचे हुए थे वो इन जंगलों में, उन पहाड़ों में काफी अंदर तक चले गए, और ब्रिटिश के अधिकारी सारे गांव वालों को निर्देश देते थे कि ये एरिया साफ करके क्या करो, प्लेन करो। तो मान लीजिए अभी यहां तक पहाड़ियां हैं, लेकिन जब प्लेन एरिया साफ किया गया तो पहाड़ियां सिमट कर मान लीजिए ऐसी हो गई, है ना, ये सब प्लेन बना दिया गया। तो पहाड़िया बेचारे अपनी दुर्दशा पर रो रहे थे, और इनके लिए कहा जाता ना, लोहे को लोहा काटता है। और अगर तो इनके लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि ऐसे समय में एक दूसरी ट्राइब्स को भी ब्रिटिशर्स ने वादा किया कि तुम्हारी जिंदगी को हम जन्नत बना देंगे। ठीक है, और ये कम्युनिटी थी संथाल। संथाल भी, संथाल में बहुत मेहनती हुआ करते थे। ठीक है, ये फॉरेस्ट को क्लियर करने में उस्ताद थे। ठीक है, लकड़ियों को, जो बेकार की लकड़ियां उसको काट के गिरा देते थे, और प्लोइंग लैंड एंड ग्रोइंग रास एंड राइस एंड वाटर, इस तरह से ये किया करते थे। और ये करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते रहे। ब्रिटिशर्स को ये लगा कि यार ये कम्युनिटी बहुत सही है, पहाड़ियाज भी ट्राइबल ट्राइब्स हैं और संथाल भी ट्राइब्स हैं। संथाल भी जिस तरह से पहाड़िया पूरे जंगल के एरिया से वाकिफ होते हैं, संथाल भी वाकिफ होते हैं, और संथाल है मेहनती, और ये किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं, राइस और कॉटन का करते हैं, है ना, और राइस और कॉटन प्लेन इलाकों पर अच्छी हो जाएगी, है ना। तो क्यों ना इनके साथ एग्रीमेंट किया जाए। ये उसी तरह का एग्रीमेंट था जिस तरह से उन्होंने पहाड़ियाज के साथ पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन की थी। ठीक है, पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन क्या हुआ था कि भाई हम तुमको पैसा देंगे। इसमें एक ऐसी पॉलिसी यूज की गई, और इस पॉलिसी के चलते संथाल कम्युनिटी को ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम तुम्हें जमीन देंगे और तुम खेती करो, तुम्हारी जमीन होगी, तुम्हारा जो है देश होगा, आराम से रहो, और तुम्हारा ये जो नोमैडिक जीवन है ना, जो खानाबदोश जीवन है ना, ये तुम्हारा धीरे धीरे
खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि संथाल किस तरह से फील्ड में आते हैं एट द एंड, और ये जितनी भी चीजें हमें पता चल रही है कहां से चल रही है, बकनन की जो सर्वे था उससे हमें सारी चीजें पता चल गई। ओके, बकनन क्रॉस्ड गंजूरिया पहाड़ विच वॉज अ पार्ट ऑफ राजमहल, पास थ्रू अ रॉकी कंट्री बियॉन्ड एंड रीच्ड अ विलेज। अब एक विलेज में पहुंचता है भाई ये। इट वॉज एन ओल्ड विलेज बट द लैंड अराउंड हैड बीन रिसेंटली क्लियर्ड एंड एक्सटेंड कल्टिवेशन। कहीं ना कहीं ये वही बताया जा रहा है कि पहाड़ियों ने अभी अभी जमीन साफ की है, ठीक है, और दूर अपने एक गांव में रह रहे हैं। बकनन फाउंड एविडेंस ऑफ द रीजन हैविंग बीन ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन लेबर। जाहिर सी बात है उस समय मशीनें तो थी नहीं, ठीक है, आदमी बेचारा जो है जंगलों को काटता था मेहनत से और फिर उस पर कल्टीवेशन किया करता था। ही रोट कंजूरिया इज जस्ट सफिशियंटली कल्टिवेटेड टू शो वॉट अ ग्लोरियस कंट्री दैट माइट बी मेड। आई थिंक इट्स ब्यूटी एंड रिचेस माइट बी मेड इक्वल टू ऑलमोस्ट एनी इन द यूनिवर्स। यानी गंजूरिया पहाड़ में जब वो पहुंचता है तो ये देखता है कि जो इंसान है, रहने वाले इंसानों ने कितनी मेहनत करके इस इलाकों को कितना खूबसूरत बनाया है, और जिस तरह की यहाँ का वातावरण है, जिस तरह यहाँ का जमीन है, ऐसी जमीन उसको कहीं देखने को नहीं मिली। अच्छा, बकनन की एक खासियत ये थी कि वो इतना शार्प माइंडेड था कि घूमता तो था लेकिन चीजों को बड़ी माइन्यूटली चेक किया करता था। और वो क्या बताता है देखिए, वो कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखता है कि द सॉइल हियर वॉज रॉकी बट अनकॉमनली फाइन एंड नाउ नो वेयर हैड बकनन सीन फाइनर टोबैको एंड मस्टर्ड। ठीक है, अब पता चल गया उसको कि भाई यहाँ तंबाकू की भी खेती अच्छी हो सकती है और मस्टर्ड की भी खेती अच्छी हो सकती है, दो चीजों उनको उसको क्लू मिल गया। ऑन इंक्वायरी ही डिस्कवर्ड दैट द फ्रंटियर्स ऑफ कल्टीवेशन हियर हैड बीन एक्सटेंडेड बाय द संथाल। देखिए, राजमहल की पहाड़ियों को पार करने के बाद जब वो गंजूरिया की पहाड़ी में पहुंचा तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो संथाल थे वो जंगलों को काटने में उस्ताद थे, वो प्लेन एग्रीकल्चर लैंड बनाने में काफी माहिर थे, तो इंक्वायरी करने में पता चला भाई ये कम्युनिटी कौन है, किस व्यक्ति ने ऐसा काम किया, तो पता चला कि संथालों ने काम किया। और जैसे ही उसको पता चला अच्छा ये भी ट्राइबल कम्युनिटी है, तो चलो क्या करते हैं इसको इनकैश कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि संथाल आखिरकार पहुंचे कैसे। तो संथालों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि डिफरेंस बताइए बिटवीन पहाड़ियाज एंड संथाल। दूसरा, हाउ संथाल रेजिस्टेड टू पहाड़ियाज। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, बाकी के क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया कि मैं सारे क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पहाड़ियाज ने जो है बड़ा ही अच्छा अपनी व्यवस्था बना रखी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें लिखा हुआ है कि संथाल पहुंचे कैसे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि संथाल खानाबदोश रहा करते थे, नोमेडिक रहा करते थे, और एक जगह से दूसरी जगह इस कल्टीवेशन को बढ़ाते हुए अपना काम करते रहते थे। ब्रिटिश अफसर को ऐसे लोग चाह रहे थे, ब्रिटिश ऐसे लोगों को चाह रही थी जो उनके इस एग्रीकल्चर एक्सपेडिशन में उनकी सहायता कर सके, और ऐसे लोगों को उसने पा लिया, और वो पीपल कौन थे, संथाल पीपल थे। ठीक है, और संथालों से ब्रिटिश ने वादा किया कि हम तुमको सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बना देंगे, यानी अब तुम्हारा तुम्हारी जो जिंदगी खानाबदोश जिंदगी हुआ करती थी अब वो खानाबदोश जिंदगी नहीं रह जाएगी। वो कैसी हो जाएगी, एक सेटलर के रूप में हो जाएगी। सेटलर के रूप में मतलब अब तुम्हें हम ऐसी जमीन देंगे कि तुमको यहाँ से वहां कहीं भी माइग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो संथालों को लगा अच्छा चलो हमारा जो है अब ये खानाबदोश जिंदगी खत्म हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द संथाल वर गिवन लैंड एंड परसुएडेड टू सेटल इन द फुट हिल्स ऑफ द राजमहल। देखिए यहाँ दिमाग लगाया जो है ब्रिटिशर्स ने, ये तो दूसरी पहाड़ी पर रहा करते थे और राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़ियाज रहा करते थे, तो इन्होंने कहा भाई पहाड़ियों के पास ही तुम सेटल हो जाओ, क्योंकि तो ये जानते थे कि संथाल जहां जाएंगे जंगलों को काटेंगे, पर्वतों को प्लेन करेंगे और वहां पे एग्रीकल्चर शुरू कर देंगे, और हमारे एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे, एक तो संथाल हमारे लिए लॉयल कम्युनिटी बन जाएगी, और दूसरा चूंकि ये भी ट्राइब है
तो दूसरी ट्राइब से किस तरह से लड़ना है, झगड़ना है या उनके लिए स्ट्रेटेजी बनानी है, ये भी संथाल अच्छी तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने एक खेल खेला, और वो खेल क्या था कि इन संथालों को क्या कर दिया, दामिने को दे दिया। दामिने को का मतलब हुआ करता था ग्रांटेड लैंड, ठीक है। एक इसी से रिलेटेड एक टर्म और है, दीवान ए अमीर को ही। कमेंट बॉक्स पर मुझे ये बताइए कि ये डिपार्टमेंट किसने एस्टेब्लिश किया था। मैं आपको क्लू दे दे रहा हूं, तुगलक डायनेस्टी के लोग में किया था। अब किसने किया था ये आप हमें बताएंगे, और ये आपके सीयूईटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा जो है मिलता जुलता शब्द है, इसलिए मेरे दिमाग में आया और मैंने आपको बता दिया। तो आप ये बताइएगा, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो दामिने को किसको अलॉट की गई, ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज दामिने को। तो दामिने को आप कहेंगे कि इट इज अ ग्रांटेड लैंड टू द संथाल पीपुल, ताकि वो अपने आप को पूरी तरह से सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बना सके। तो ये चीज हो गई आपकी दामिने को की तरफ। ओके, अब यहां पर क्या किया गया, देखिए किस तरह से किया गया। दिस वॉज डिक्लेयर टू बी द लैंड ऑफ संथाल, कह दिया गया संथालों से, कहा गया कि तुम्हारी जमीन है, अपने हिसाब से रहो, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश आप जानते हैं कितना मीठा मीठा बोलते थे, और उसके बाद फिर क्या करते थे, धोखा देते थे। दे वर्क टू लिव विद इन प्रैक्टिस प्लो एग्रीकल्चर। देखिए प्लो आ गया ना दोस्तों, प्लो का मतलब जैसे मैंने पहले बताया था क्या है, संथाल, बिकॉज दे यूज प्लो, हल। द लैंड ग्रांटेड टू द संथाल स्टिपुलेटेड एट लीस्ट 1/10 ऑफ द एरिया वॉज टू बी क्लियर एंड कल्टिवेटेड विद इन द फर्स्ट 10 ईयर्स। बस एक निर्देश इन्होंने दिया कि भाई जितनी जमीन है उसका 1/10 हिस्सा जो है उस पर खेती होगी, और लगभग ऐसा आप 1/10 1/10 करके 10 सालों तक करेंगे। अब इन 10 सालों में क्या, यहाँ पे खेती गई इसको छोड़ा गया, फिर यहाँ पे खेती गई इसको छोड़ा गया, फिर यहाँ खेती इसको छोड़ा गया, और फिर क्या होता है, एक के बाद फिर से रिफर्टिलाइज हो जाती है जमीन, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पर आप इसको मान सकते हैं कि सिर्फ एक मैंडेट था कि संथाल तुमको इस तरह से खेती करनी, बाकी जमीन तुम्हारी है, तुम्हारा इस पर मालिकाना हक है, तुम यहीं रहोगे, ये वो फलाना ढिमका, ये सारी चीजें कही गई। द टेरिटरी वॉज सर्वेड एंड मैप एनक्लोज द बाउंड्री पिलर्स, इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द बोथ द वर्ल्ड ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड ऑफ द प्लेन्स एंड द पहाड़ियाज ऑफ द हिल। ये हिल है, यहाँ पे कांटे वाले तार लगा दिए गए ताकि ये पहाड़िया अटैक नहीं करेंगे, और अगर अटैक करे भी तो संताल इसको अच्छे अच्छे से रजिस्टर कर सकते हैं, इन अंग्रेजों को ये भी पता था, ठीक है। आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ दामिने को संथाल सेटलमेंट एक्सपेंडेड रैपिडली। अब देखिए संथालों को उनकी जमीन मिल गई, जमीन मिल गई तो ये सारे लोग खुश, जब खुश हैं तो जाहिर सी बात है अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ऐसे सारे संथाल धीरे धीरे इन जमीनों के आसपास आते चले गए। From 40 Santhal village in the area in 1838, as many as 1,473 villages had came by up by 1851। लगभग आप देख सकते हो कि 10-12 सालों के अंतर में ही 40 गांव से बढ़कर 1040 के 1400 गांव के ऊपर हो गए, यानी 1500 गांव के आसपास बढ़ गए। रैपिडली इनकी जो है जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज होती रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं संथाल माइथ्स मिथ्स एंड सॉन्ग इन ऑफ द 19th सेंचुरी रेफर वेरी फ्रिक्वेंटली टू ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल। दे रिप्रेजेंटेड द संथाल एज संथाल पास्ट एज वन ऑफ द कंटिन्यूअस मोबिलिटी, ए टायरलेस सर्च फॉर ए प्लेस ऑफ टू सेटल हियर इन द दामिने को, देयर जर्नी सीम टू हैव कम टू एन एंड। लगातार घूमने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाने के लिए दौड़ने वाले ऐसे लोगों को ये लगा कि इतने सालों की मेहनत अब हमारी इसका रिजल्ट मिला है। किस रूप में मिला है, दामिने कोह के रूप में मिला है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये एक शिकंजा है जो कसा जा रहा है ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। आगे बढ़ते हैं इसमें। व्हेन राज संथाल सेटल्ड ऑन द पेरिफेरीज ऑफ द राजमहल, द पहाड़ियाज रेजिस्ट बट वर अल्टीमेटली फोर्स टू विदड्रॉ डीपर इन टू द हिल्स, रेस्ट्रिक्टेड फॉर मूविंग डाउन टू द लोअर हिल्स एंड वैलीज, दे वर कन्फाइंड टू द ड्राई इंटीरियर एंड टू द मोर बैरन एंड रॉकी अपर हिल्स। जैसे जैसे मैंने आपको बताया
पहाड़ियों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए इन संथालों वाली जमीन पर जैसे ही अटैक किया, इन संथालों ने पहाड़ियाज को और अंदर ढकेल दिया पहाड़ियों के बीच में, ठीक है। और ये पहाड़ियां बीच में चूंकि काफी ऊंचाई पे थी और ये रॉकी माउंटेन्स थी, तो यहाँ पर इनके लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटी टू मूव द न्यूअर एंड न्यूअर लैंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल व्हेन द मोस्ट फर्टाइल सॉइल बिकेम इनएक्सेसिबल टू देम बीइंग पार्ट ऑफ द नामिन द पहाड़ियाज कुड नॉट इफेक्टिव सस्टेन देयर मोड ऑफ कल्टिवेशन। क्योंकि एक तरफ संथाल चीजों को, जंगलों को, पहाड़ों को साफ करते जा रहे थे, प्लेन एरिया बना रहे थे, और ये प्लेन एरिया चूंकि ब्रिटिश ने कह दिया जितनी तुम खेती करोगे उतना ही हिस्सा तुम्हारा होगा, तो ये जो नई जमीन पहाड़ियों वाली जमीन पर धीरे धीरे जो संथाल कब्जा करते जा रहे थे, ये भी दामिन एको का हिस्सा बनती चली जा रही थी। और जो झूम कल्टीवेशन या शिफ्ट कल्टीवेशन का जो एक तरीका होता है, अब कल्टीवेशन का तरीका, इस तरह की कल्टीवेशन का तरीका इन पहाड़ियों के लिए मुश्किल होता चला जा रहा था, और दिन पर दिन इनकी जो लाइफ थी वो बद से बदतर बनती चली जा रही थी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक ही तीर से जो है इन अंग्रेजों ने कई निशाने साधे, संथालों को अपना यशमैन बना लिया और संथालों का यूटिलाइज करके पहाड़ियों को क्या कर दिया, एक तरह से खत्म कर दिया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटेन वाले किसी के नहीं हुए, संथाल हाउएवर सून फाउंड दैट द लैंड दे हैड ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन वाज स्लिपिंग अवे फ्रॉम देयर हैंड। क्यों? द स्टेट वाज लेविंग हेवी टैक्स ऑन द लैंड दैट द संथाल हैड क्लियर्ड। मनी लैंडर्स जिनको दीकूज भी कहा जाता है, वर चार्जिंग देम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टेकिंग ओवर द लैंड व्हेन टैक्स रिमेन अनपेड। द जमींदार वर असर्टिंग कंट्रोल ओवर द दामिन एरिया। संथालों को साफ साफ ही नजर आने लगा था कि ब्रिटिशर्स ने उनके साथ ठगी की, उनके साथ छल किया है। पहले तो हमसे जमीन साफ करवाई और हमसे कहा कि ये तुम्हारी जमीन है, इस पर अपनी तरह से तुम लोग रहो, लेकिन बाद में इस जमीन को टैक्सेबल बना दिया, ठीक है, टैक्सेस इम्पोज कर दिया, और इतने हाई रेट के टैक्स थे कि इन संथालों के लिए उधार लेकर बोरो करके टैक्स भरने की नौबत आ गई। और ये बोरो किससे करते थे? मनी लेंडर जो मनमाने ढंग से खुद सूद लगाया करते थे, यानी इंटरेस्ट लगाया करते थे। और धीरे धीरे इन संथालों के समझ में आ गया कि ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया, हमने अपने पहाड़िया भाइयों पर क्या किया, आक्रमण किया, किसके फेर में आके, ब्रिटिशर्स के। लिहाजा क्या होता, 1850 के आसपास द संथाल एट द टाइम हैड केम टू रिबेल अगेंस्ट जमींदार मनी लेंडर एंड कॉलोनियल स्टेट इन ऑर्डर टू क्रिएट द एन आइडियल वर्ल्ड देमसेल्फ वेयर दे वुड रूल। जमींदारों की तरफ से जो इनका ह्यूमिलिएशन किया गया, मनी लेंडर्स की तरफ से ह्यूमिलिएशन किया गया, और इसीलिए इसको इस अपमान का घूंट पिया इन्होंने। और फाइनली 1855 और 56, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, सीयूटी के लिए, कि संथाल रिबेलियन कब हुई, तो हुई 1855 और 56 में, और उसके लीडर थे सिद्धू कानू और सिद्धू और कानू, ये दो भाई थे, यही इन्होंने संथाल रिबेलियन को लीड किया। बाद में पकड़ लिए गए थे और इनका जो है कहते हैं एग्जीक्यूशन कर दिया गया था। और यहाँ पर हम ये देखते हैं द संथाल परगना वॉज क्रिएटेड, जब जो है क्या कहते हैं रिवोल्ट हुआ, बहुत सारी जो है चौकियां बनाई गई बीरभूमि भागलपुर वाले इलाकों में, और इन संथाल को जो है क्या कहते हैं स्पेशल लॉ के तहत क्या कर दिया गया, इनको बैन कर दिया गया, बहुत सारी इनको यातनाएं दी गई वगैरह वगैरह। ऐसे करते हुए क्या होता है कि इन संथालों के रिबेलियन को एक साल के बाद पूरी तरह से दबा दिया जाता है। और 56 में जब ये रिबेलियन, जब ये दोनों भाई पकड़े जाते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, तो लोगों के बीच में जो गुस्सा था अंग्रेजों के लिए वो बहुत भड़क जाता है। और ऐसे समय में आप जानते हैं कि होता क्या है, ठीक एक साल के बाद 1857 में होती है भारत की पहली जो है रिवोल्ट, ठीक है, पहला फ्रीडम स्ट्रगल जो इतने हाई लेवल पे हुआ था, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर हम देखने को पाते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने पहाड़िया को हटाने के लिए संथाल का यूज किया, और संथाल बेचारे भोले भाले लोग, इन लोगों ने अंग्रेजों पर विश्वास करके, ठीक है, अपनी जैसी कम्युनिटी को क्या किया, पूरी तरह से बर्बाद किया, और उसका खमैजा ये भुगतना पड़ा कि कहीं ना कहीं संथालों के इस विश्वास को इस ब्रिटिश अधिकारियों ने पूरी तरह से
ठग लिया। ठीक है, तो ये चीज, ये संथालों की कहानी रही दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे भी आपको बताते रहेंगे कि क्या सारी चीजें हैं। और यहाँ पर हम ये देखते हैं अकाउंट ऑफ बकनन। ठीक है, बकनन का अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि बकनन ने क्या क्या कहा। मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ कि बकनन ने क्या किया। बकनन ने क्या किया कि ये वो जहां कहीं भी गया उसने सारे एरिया का इन्वेस्टिगेशन किया, और इसके साथ पूरा काफिला चला करता था। ठीक है, इसके साथ एक पूरी बड़ी फौज ही चला करती थी, जिसमें आपके जो है डॉट्समैन भी हुआ करते थे, सर्वियर भी हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है कि कहते बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जो इसके बहुत सारे सर्वेस को कंडक्ट कराने में हेल्प करते थे। क्योंकि बकनन देखा जाए तो एक था डॉक्टर, लेकिन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में कि उसकी जो देखने की क्षमता थी, जो चीजों को समझने की क्षमता थी, वो बहुत ही फाइन क्षमता थी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ हम देखते हैं द कॉस्ट ऑफ द ट्रेवल वर बॉर्न बाई द ईस्ट इंडिया कंपनी सिंस इट नीडेड द इंफॉर्मेशन दैट बकनन वॉज एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट। बकनन हैड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अबाउट वॉट ही हैड टू लुक फॉर एंड वॉट हैड टू रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बकनन को ये था कि जितना घूम पाओ घूमो, लेकिन जो जमीन है, लैंड है, कैसी है, कौन सा विच कल्टिवेशन, कौन सा जो है यहाँ पर क्रॉप की कल्टिवेशन हो सकती है, कितना एक्सपेक्टेड रिवेन्यू यहाँ से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, और किस तरह से उस एरिया का यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जो है बकनन को निर्देश दिए गए थे। तो बकनन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किया। ठीक है, तो इसके साथ यही सारी चीजें हैं। पूरा आप लिखेंगे कि अगर बकनन के अकाउंट के बारे में कह दिया गया तो बकनन एक डॉक्टर था, ऐसा था, वैसा था। और इसके बाद सीधे आप कहेंगे जहां जाता था पूरे लाओ लश्कर के साथ जाता था, जिसमें जियोलॉजिस्ट होते थे, बॉटनिस्ट हुआ करते थे, जो है एग्रीकल्चर को समझने वाले लोग हुआ करते थे, डॉट्समैन हुआ करते थे, सर्वेयर हुआ करते थे, सारे लोग थे। और इस तरह से बकनन जहां कहीं भी गया उसने ना सिर्फ वहां की जमीन और खूबसूरती के बारे में लिखा, बट ही ऑब्सेसिवली ऑब्जर्व द स्टोन एंड रॉक्स एंड द डिफरेंट स्ट्रेटा एंड लेयर्स ऑफ सॉइल। ही सर्च फॉर मिनरल्स एंड स्टोन्स दैट वर कमर्शियली वैल्यूबल। ही रिकॉर्डेड ऑल साइंस ऑफ आयरन ओर एंड माइका, ग्रेनाइट, साल्ट पेटर एंड केयरफुली ऑब्जर्व लोकल प्रैक्टिस ऑफ सॉल्ट मेकिंग एंड आयरन ओर माइनिंग। मतलब जितने भी, क्योंकि अंग्रेज ये जानते थे कि एक बार उन्होंने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हर जगह जो है सेटल सेटल कर दी, लेकिन इससे परमानेंट रिवेन्यू नहीं आ सकता था। अंग्रेज इतने भूखे हो गए थे इंडिया के रॉ मटेरियल के बारे में कि उन्होंने बड़े बड़े सर्वे तैयार किए, बड़े बड़े इसी तरह के लोगों को अपनी कंपनी में अपने खर्चे पर भेजकर कि देखा जाए कि जितने भी दूर दराज के इलाके हैं उन दूर दराज के इलाकों को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए। और इसमें सहायता जो कर रहा था व्यक्ति, वो बकनन कर रहा था। बकनन जहां कहीं भी गया उसने लैंड को इतनी अच्छी तरह से सर्वे किया कि यहाँ पर किस चीज का कल्टीवेशन हो सकता है, कौन से ऐसे जंगली इलाके हैं जहां पर बेकार के ट्री होते हैं उनको कटाओ, और वहां पर एग्रीकल्चर नए नए लैंड्स जो है तैयार करो, और लोकल इनहेबिटेंट्स को क्या प्रायोरिटी पर रखना है, इनके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उनको लालच देकर किसी ना किसी तरह से अल्टीमेट गोल ये था कि जो कंपनी है उसके कमर्शियल कंसर्न को ध्यान रखते हुए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देना। तो दोस्तों बकनन का यही काम हुआ करता था, और इसी तरह से बकनन आगे जो है अपने अकाउंट में बहुत सारी बातें लिखता है, वो सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ बकनन के ब्यौरे तक आज हम यहीं पर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा। अभी तक हम जो चीजें देख रहे थे वो नॉर्थ और ईस्ट के इलाकों में देख रहे थे, अगला जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा वो साउथ की तरफ हो जाएगा, बॉम्बे डिक्कन की तरफ, कि बंबई में क्या हो रहा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।